देवचंदा पुल के समीप टहलने निकली चार महिलाओं के लिए काल बनकर आई स्कॉर्पियो टक्कर के बाद 20 फीट दूर मिले सौ। भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत देवचंदा पुल के समीप बिहिया बिहिटा स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने चार महिलाओं को रौंद दिया। हादसा इतना विभत्स हुआ कि महिलाओं के सौ वाहन की टक्कर से उड़कर खेत में जा गिरे थे। मरने वाली सभी महिलाओं की पहचान हो गई है। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। घटनास्थल पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई थी। लोगों ने करीब 5 घंटे तक सड़क को जाम कर यातायात बाधित रखा। अधिकारियों के समझाने के बाद यातायात सामान्य कर दिया है। दुर्घटना से गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतर गए और बिहिया बिहिटा हाईवे को जाम कर दिया था। यह हादसा सुबह 5 बजे के आसपास हुआ। SDM और DSP ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। थानेदार नंदकिशोर सिंह ने बताया कि दोपहर 11 बजे तक सड़क जाम समाप्त करा दिया गया है। बताया कि प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये पारिवारिक लाभ के तहत प्रखंड कार्यालय की ओर से दिए जाएंगे। 3,000 रुपये कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत नगर परिषद की ओर से दिए जाएंगे। बताया जाता है कि ओझवलिया सहित अन्य गांव के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए प्रतिदिन देवचंदा पुल की तरफ जाते हैं। इनमें महिलाओं की तादाद काफ़ी रहती है। शुक्रवार की अहले सुबह उक्त चारों महिलाएं भी टहलने निकली थी। इसी दौरान पीरो की ओर से जा रही स्कॉर्पियो ने चारों महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चारों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में पीरो के ओझवलिया निवासी अशोक कुमार सिंह के 51 वर्षीय पत्नी सरस्वती देवी, शिक्षक हरि प्रसाद सिंह की 62 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी, डीलर वकील सिंह की 52 वर्षीय पत्नी मोती झारू देवी तथा बरौली निवासी राम सुंदर सिंह के 66 वर्षीय पत्नी मानती देवी शामिल हैं। इसी समय हुआ कि कोई गाड़ी आकर के पीछे से मारते हुए आगे की ओर निकल गई। चारों लोग वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया था। कौन गाड़ी धक्का लगा देखेंगे? स्कॉर्पियो लोग जैसा कह रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी थी और वो बहुत तेजी से था और तेजी से वो निकल गया आगे की ओर। चारों लोग का स्पॉट डेथ हो गया। कहाँ के रहने वाला है चारों लोग? चारों लोग उझवलिया गाँव के हैं। वहाँ तक रोज प्रतिदिन उन लोगों का यही रूटीन था। सुबह में उस टाइम में मॉर्निंग वॉक के लिए वो लोग सभी लोग जाते थे। कोई बीमारी नहीं रहती? कोई बीमारी नहीं है। इतना दूर 3 किलोमीटर पैदल जो चलेगा उसको कहना ठीक है। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। कहाँ घटना हुई है? ये देसनाबाल पर, देसनाबाल पुल है वहीं पर। अभी नया रोड बना है वहीं पर।